हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। बात करेंगे क्रिकेट में बड़े बदलावों की, क्योंकि क्रिकेट में फिर से कुछ बदलाव हुए हैं। अच्छा, ये बदलाव जो हैं क्या वो आईपीएल को इंपैक्ट करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ टी20 वर्ल्ड कप में भी कुछ बदलाव है, यानी कि टी20 वर्ल्ड कप में जो आप देखेंगे वो पहली बार कुछ कुछ चीजें यहां पर होती हुई दिखेंगी। और साथ ही साथ ये तो 2024 का टी20 वर्ल्ड कप है, लेकिन 2026 टी20 वर्ल्ड कप जो कि भारत और श्रीलंका ने को होस्ट करना है, वहां के लिए टीम्स कैसे क्वालिफाई करेंगी, इसकी भी पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो सामने आ गई है। तो शुरुआत करते हैं जो बड़ा बदलाव क्रिकेट में अब होने वाला है वो आपको दिखाते हैं एक एक करके। आपने अभी देखा होगा हाल फिलहाल में स्टॉप क्लॉक का जो है इस्तेमाल शुरू करवाया गया था, ट्रायल बेसिस पर था अप्रैल तक। अच्छा, टी20 से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन अब 1 जून 2024 से स्टॉप क्लॉक जो है दोनों जगह टी20 आईज और ओडीआईज दोनों जगह पर शुरू कर दी जाएगी। अब इसमें होता क्या है, इसमें हर एक ओवर खत्म होने के बाद 60 सेकंड का काउंटडाउन रहेगा, जो कि आपको इलेक्ट्रिक क्लॉक वहां पर दिखती है स्क्रीन पर, वहां दिखेगा, यानी कि 60, 59, 58। तो ये जब तक जीरो हो जाए उससे पहले जो फील्डिंग साइड है उसको अपना ओवर शुरू करना है। अगर ऐसा नहीं होता तो उनको दो बारी वार्निंग मिलेगी। एक बार फिर से वो दिखा दीजिए स्क्रीन पर, दो बारी वार्निंग मिलेगी। और तीसरी बारी में क्या है कि तीसरी बारी में आपको जो है 5 रन की पेनल्टी लग जाएगी। तो अगर आपने 3 बार लगातार आप फेल हो गए, जो आपका एक समय है उसमें ओवर करने का, तो ऑलरेडी जो आपका हम कहते हैं कि पेनल्टी लगनी होती थी, पहले फील्डर्स वाली पेनल्टी लगती थी, ऐसे में आपको सामने वाली टीम को जो है 5 रनों का एडिशन और हो जाएगा। तो ये तो रहा स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल, टी20 वर्ल्ड कप से ही शुरू हो रहा है, 1 जून से ही शुरू हो जाएगा नियम, और टी20 के साथ साथ ओडीआईज में भी ये शुरू किया जाएगा। और जो पूरा का पूरा यहां पर आईसीसी की तरफ से अपडेट आई है मीटिंग्स के बाद, वहां पर यह है कि ऐसा करने से उनको ये अंदाजन जो है वनडे मैचेस में भी आप 20 मिनट का समय बचा सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा समय होता है। और वनडे में हम यही बात करते हैं कि समय बहुत ज्यादा लग रहा है। अब आ जाते हैं टी20 वर्ल्ड कप में, कि क्या कुछ टी20 वर्ल्ड कप में बदला है, एक एक कर उस पर नजर डालते हैं। तो टी20 वर्ल्ड कप में एक बदलाव तो आप समझ ही गए, स्टॉप क्लॉक वाला है, वहीं से उसकी शुरुआत होने, लेकिन बाकी क्या कुछ इस बार आपको टी20 वर्ल्ड कप में। अच्छा, रिजर्व डेज, सेमीफाइनल और फाइनल के लिए रिजर्व डेज पिछले एडिशन में भी था, तो ऐसा कुछ नया नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको याद आएगा 2020 में जब विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप था और मेंस टी20 वर्ल्ड कप हालांकि 21 में हुआ था, बट वो एक ही साइकिल का था, और आईसीसी इवेंट्स में एक नियम रहते हैं एक इवेंट के लिए, यानी कि विमेन्स और मेंस टी20 वर्ल्ड कप के लिए। पर आपको याद आएगा कि वहां पर विमेन्स टी20 वर्ल्ड कप के दौरान एक मुकाबला सेमीफाइनल का जहां पर बारिश हुई थी, और उस वक्त पर वहां रिजर्व डेज नहीं थे, बट जब 2021 में वर्ल्ड कप कराया गया तो वहां पर भी रिजर्व डे रखा गया, 2022 में भी रिजर्व डे रखा गया, और अब 2024 में भी इसको कंटिन्यू किया गया है। बाकी जो नियम है, जो पिछली बारी एक और अच्छा नियम आया था वहां पर, यह था कि जैसे मैं टी20 गेम में पता है कि 5 ओवर्स मिनिमम चाहिए होते हैं सेकंड इनिंग्स में भी हो, अगर आपको रिजल्ट वो देखना है, तो जो ग्रुप स्टेज है सुपर 8 की स्टेज है वहां पर 5 ओवर का नियम है। और अच्छा यह है कि बड़े मुकाबले, यानी कि जो आपके सेमीफाइनल और फाइनल होंगे, कभी कभी 5 ओवर का समय बहुत कम लगता है, पूरा गेम तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अच्छी चीज यह कि जो पिछले एडिशन में भी था वो यहां पर यह है कि 10 ओवर रिजल्ट के लिए आपको जो है 10 ओवर वहां पर मिलेंगे, यानी कि 10 ओवर जरूरी है होने के होने, जो सेकंड इनिंग्स में आप देख रहे हैं, यानी कि एक मैच जब होगा तो ऐसा नहीं होगा कि 5 ओवर पर ही डिसाइड हो जाएगा अगर वो नॉकआउट का मुकाबला है। तो ये तो रही ये बात कि किस तरीके से रहेंगे। अब आ जाते हैं 2026 में जो टी20 वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका ने को होस्ट करना है, वहां पर टीम्स कैसे क्वालिफाई करेंगी, 20 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी, भारत और श्रीलंका को होस्ट हैं, 12 जो है ऑटोमेटिक क्वालिफायर्स हैं, 12 में से आपके 2 होस्ट हो गए हैं जो इंडिया और श्रीलंका हो गए हैं, डायरेक्ट क्वालिफिकेशन जो 8 टीम टॉप पर रहेंगी 2024 ये एडिशन, जो टॉप 8 टीम्स रहेंगी वो डायरेक्ट आ जाएंगी, तो 8+2 10 हो जाते हैं इस तरीके से। बाकी बची हुई जो 2 जगहें हैं आपकी हैं वो आ जाएंगी 30 जून 2024 को, जो आईसीसी की रैंकिंग्स होगी टी20 की, उसमें जो बेस्ट प्लेस्ड टीम्स होंगी, यानी कि आप ऊपर की अगर 10 टीमों को हटा दें, जो हमने बताया कि इंडिया और श्रीलंका एज होस्ट हो गई, और फिर 8 टीमें जिन्होंने डायरेक्ट क्वालिफाई किया होगा 2024 एडिशन से, तो उसके बाद की 2 टीम्स रैंकिंग पर, और आखिरी के 8 स्पॉट्स जो हैं वो आपको रीजनल क्वालिफायर से मिलेंगे। अब इसमें 2 या 4 इसलिए लिखा है कि रैंकिंग्स के जरिए वो डिसाइड हो सकते हैं, क्योंकि सपोज जो अगर जो हम होस्ट की पोजीशन बोल रहे हैं वो वहां पर अगर वहां पर नहीं आ रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा जो है उसमें चेंजेस देखने पड़ेंगे। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन सिनेरियोज भी हो गए। तो ये कुछ नई अपडेट आई थी आईसीसी की तरफ से, तो जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट यह है कि वाइट बॉल क्रिकेट में ही पूरा स्टॉप क्लॉक लगा दिया गया है, टी20 वर्ल्ड कप रिलेटेड आपकी प्लेइंग कंडीशन सामने आ गई है, और 2026 में टी20 वर्ल्ड कप में टीम्स ने कैसे क्वालिफाई करना है उसका जो है रास्ता आपके पास सामने है। तो वीडियो इंफॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक को, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वेबसाइट भी है www.thesportstak.com और स्पोर्ट्स तक की ऐप भी है, उसे आप डाउनलोड करें, वहां पर आपको सबसे तेज अपडेट्स मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।